बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सी एंड ग्रेशियस। टुडे द टॉपिक आई विल गोइंग टू डिस्कस दैट इज कोलिलिथियासिस मीन गॉल ब्लैडर स्टोन। सो कोलिलिथियासिस के बारे में आज मैं बताऊंगा। इसमें मैं नॉर्मली एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको मैं बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है और इसका काम क्या होता है, बाइल का काम क्या होता है, और डिफिनेशन कोलिलिथियासिस का करूंगा। फिर जो इसके स्टोन के टाइप से वो, और फिर कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, एथियोलॉजी और लैब इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट, और इसके साथ जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशंस, और एंड पे जो है मैं आपके डाइट के बारे में मैं बताऊंगा कि कोलिलिथियासिस में किस तरह डाइट लेना चाहिए। अच्छा, आते हैं टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कोलिलिथियासिस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर का लोकेशन कहाँ पे होते हैं। गॉल ब्लैडर जो है ये पीयर शेप ऑर्गन है, और ये अपर राइट एब्डोमिन में पड़ा हुआ है, लीवर के बीनीथ, लीवर के नीचे। और इस गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का काम ये है कि जब लीवर में बाइल जो कि लिक्विड एक्विस होता है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस हो के रिलीज कहाँ पे हो जाता है, और रिलीज हो जाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए गॉल ब्लैडर में चला जाते हैं। वहाँ पे ये क्या होता है कि वहाँ पे ये स्टोर होता है। जब भी बॉडी को ज़रूरत होते हैं तो ये स्टोर जो बाइल है ये रिलीज़ होके कहाँ पे आता है? ड्यूडेनम में या इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या होता है जो बाइल है? हाँ, स्टोर क्यों होता है? स्टोर इसलिए होता है कि ये सैचुरेटेड हो जाए और प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करें। इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी यूज़ करती है किस पर्पज़ के लिए? फैट्स को ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब करने के लिए, विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा जो है रिमूव करते हैं वेस्ट को जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि कोलिलिथियासिस, ये तो थी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कोलिलिथियासिस होता क्या है? कोलिलिथियासिस का डिफिनेशन है कि फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। स्टोन का बनना या स्टोन का होना कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, जिसको उर्दू में हम कहते हैं पित्त। मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेनली, बट इट कैन बी मेड अप ऑफ अदर एटम्स, कैल्शियम एक्सेट्रा। मोस्टली जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, इसके अलावा कैल्शियम साल्ट और बिलरुबिन से भी बनते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि बिलरुबिन से और कोलेस्ट्रॉल से स्टोन किस तरह होते हैं। अच्छा, कोलिलिथियासिस मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर है यूएस में जो ज़्यादातर है ना कोलिलिथियासिस यूएस में, और है कौन सा कोलिलिथियासिस? यूएस में है कोलेस्ट्रॉल कोलिलिथियासिस। अब आते हैं एथियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पे। इसका जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन कोलिलिथियासिस, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कोलिलिथियासिस जो है 80% कोलेस्ट्रॉल से जो है कोलिलिथियासिस बनते हैं, और 20% जो है कैल्शियम साल्ट और बिलरुबिन से बनता है। रिस्क फैक्टर है फीमेल, मोस्टली ज़्यादातर फीमेल में होता है, मल्टीपोरस होते हैं ऐसे, और वेट जो भी ऐसे लाजमी बातें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का कॉन्टेंट भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ओवर द एज ऑफ 40, मतलब जैसे एज बढ़ती जा रही है तो बॉडी की फंक्शन, ऑर्गन की फंक्शन डिक्लाइन होते हैं, तो
गल ब्लेडर की जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल लाजमी बात है, अगर किसी की कोई एक्टिविटीज़ ना हो, मतलब कुछ करने को ना हो और वो लेटा रहे, तो उसमें क्या ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे, वो खाता रहे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे। फैमिली टेंडेंसी, मतलब फैमिली की में कोई भी पर्सन इफेक्टेड है तो दूसरा पर्सन इससे इफेक्ट हो सकता है। हाई फैट डाइट, वही बात की कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में बढ़ेंगे ज़्यादा। अल्कोहल लेंगे उससे, और एस्ट्रोजन थेरापी से भी ये ज़्यादा होंगे। पिछली भी जैसे मैंने बताया कि आगे टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन पढ़ेंगे, मोस्टली जो है 3 टाइप्स हैं गॉलस्टोन की, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, पिगमेंट स्टोन है और मिक्स स्टोन है। पेशेंट विद कोलेस्ट्रॉल स्टोन आर मोर कॉमनली इन द यूनाइटेड स्टेट। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा पेशेंट कोलेस्ट्रॉल स्टोन के हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है ये मेड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल गॉलस्टोन इन US, अबाउट 80% जो कि बॉडी में स्टोन बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के हैं। दे फॉर्म व्हेन देयर इज टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, अगर बाइल जो कि लिवर से रिलीज होते हैं उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन होगा। कलर, कोलेस्ट्रॉल स्टोन का कलर कैसे होगा, वो होगा येलो ग्रीन। पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन जो है फॉर्म व्हेन देयर इज एक्सेस बिलरुबिन इन द बाइल, एक्सेस बिलरुबिन होगा सही है बाइल में। और इसका कलर किस तरह होगा स्टोन की, स्टोन की कलर जो है डार्कर ब्राउन और ब्लैक होगा। आपको पिक्चर में देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का जो है येलो कलर है, और पिगमेंट का देखो ब्राउन और ब्लैक इसका है, और मिक्स का जो है मिक्स में दोनों आते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी और पिगमेंट स्टोन भी। पैथोफिजियोलॉजी में आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी इसकी जो है एम्बेलेंस बिटवीन कोलेस्ट्रॉल, पिछली स्लाइड में पढ़ा हमने कि कोलेस्ट्रॉल का जो है एम्बेलेंस हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए सही है, तो क्या होगा, वो लीड करेगा किस चीज़ को, स्टोन की फॉर्मेशन को। बाइल साल्ट होगा, या इसके अलावा बाइल साल्ट या कैल्शियम होगा तो वो भी स्टोन को लीड कर सकता है सही है। और इसके अलावा इसकी 4 स्टेजेस होते हैं जो कि स्लाइड में इंक्लूडेड हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई इथियोलॉजी हो, मतलब जैसे कि एज है या फीमेल है या जो है ओबेस है, ओबेस पर्सन है, तो उनमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशन होता है, मतलब कि एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंपेयर टू द लेसिथिन एंड बाइल साल्ट। लेसिथिन और बाइल साल्ट के कंपेयर में जो है कंपैरिजन में क्या ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा सी है। लेसिथिन और बाइल जो है ये भी उसका बाइल एसिड जो है ये बाइल का क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशन होगा, उसके बाद हाइपरमोटिलिटी और ऑफ गॉल ब्लेडर होगा, हाइपोमोटिलिटी। हाइपोमोटिलिटी की मतलब जो गॉल ब्लेडर है वो उसका जो फंक्शन है, मतलब फंक्शन वो उसका जो कॉन्ट्रिक्शन है वो सही तरह से नहीं होगा, स्लोली होगा, तो ज़्यादा देर तक बाइल हमारे गॉल स्टोन में रहेगा। फिर उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन, मीन जो कोलेस्ट्रॉल का लिक्विड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गॉल क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा गॉल ब्लेडर में। और लास्ट भी जो है एक्रीशन होगी, एक्रीशन मतलब कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का जो है सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो क्या करेंगे, ट्रेप करेंगे किसको, जो क्रिस्टल स्टोन, जो क्रिस्टल ऊपर बने थे छोटे छोटे क्रिस्टल एक जगह पे कटिंग हुई तो आगे क्या किसको लीड करेगा, स्टोन को लीड करेगा। फिर है कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू कोलेलिथियासिस, इन्फेक्शन होगा, डिस्टर्बेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो है कोलेस्ट्रॉल का सही नहीं होगा या इन्फेक्शन होगा। डिक्रीज ऑफ बाइल फ्लो स्टेसिस, मीन कि बाइल जो है वो आगे जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आगे जो है स्टोन है या कुछ भी रीज़न है, मीन इमोबिलिटी के एज के साथ हो जाती है
मोबिलिटी जो है वो हाइपो मोटिलिटी हो जाती है गॉल ब्लैडर की, मतलब मोबिलिटी उसकी सही नहीं होती, प्रेगनेंसी लीड कर सकता है, और कोई इन्फ्लेमेशन है या ऑब्स्ट्रक्शंस लीजन की वजह से है। फिर मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस क्यों होगा? नो बाइल फ्लो एंड टू द ड्यूडिनम, जैसे पहले हमने बोला कि अगर स्टोन है तो आगे उसका बाइल का फ्लो नहीं होगा, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा। जॉन्डिस मीन कि हमारा जो स्क्लेरा है ये येलो होगा, और एब्डोमिनल रीजन हमारी बॉडी में येलो कलरेशन होगा, मोस्टली ये स्क्लेरा ये येलो होगा। और डार्क फॉर्मी अम्बर यूरिन, डार्क फॉर्मी अम्बर यूरिन क्यों होगा? क्योंकि जो बाइल है वो हमारे यूरिन को कौन सा कलर देता है? येलो। अगर बाइल नहीं है तो क्या होगा? ये कलर होगा डार्क अम्बर यूरिन। सॉल्युबल बिलरुबिन इन द यूरिन, सही है ये इसका। और नेक्स्ट जो है नो यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन, नो बिलरुबिन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो बिलरुबिन आगे नहीं आ रहा। फिर पर्टुसिस, पर्टुसिस क्यों होगा? कि डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट इनटू द स्किन टिश्यूज, स्किन टिश्यू में बिलरुबिन का जो है वो डिपोजिशन हो रहे थे, इसकी वजह से प्रूराइटस होगा, सॉरी प्रूराइटस। इनटॉलरेंस फॉर फीटी फूड, मतलब फीटी फूड वो एल टॉलरेंस होगा, क्यों होगा? नो बाइल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द फेट डाइजेशन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फेट डाइजेशन के लिए कोई बाइल है नहीं। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होगी? कि लैक ऑफ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भी कम बन रहे हैं जो कि हमारा क्लोटिंग फैक्टर है, सही है, और साथ जो है विटामिन के जो है वो एब्जॉर्प्शन विटामिन का क्या हुआ है? कम हुआ है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन व्हेन स्टोन स्टार्ट टू रिमूव इट इज व्हेन द पेन स्टार्ट, जब स्टोन जो है वो एक जगह से मूव करेगा तो क्या होगा? साथ पेन होगा। सीवियर सिम्टम ऑफ साइलेंट कोरिओलिथियासिस। अच्छा, फिर है कि बिलरी कोलिक या पेन डिस्कम्फर्ट, मतलब हमारे जो वो है साथ साथ पेन भी होगा, क्यों होगा? कि राइट अपर एब्डोमेन में जो हमारा कोलियोसिस से उसका लोकेशन है तो वहाँ पे पेन होगा। सीवियर एक्सक्रिएटिंग पेन भी होगा, सही है, राइट अपर टेंडरनेस भी होगा, जैसे कि बताया कि अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में वो पड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर। ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द इंटेस्टाइन, सही है, ब्लॉक होगा। बाइल इज येलो ग्रीन फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड एब्जॉर्ब इन द गॉल ब्लैडर ईटिंग, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टी बाइल इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये तो नॉर्मल फिनोमेना है ना कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइल जो है वो कहाँ पे आएगा? वो हमारे इंटेस्टाइन पे आएगा। फिर है व्हाट ट्रिगर दीज सिम्टम्स, ये सिम्टम्स किस चीज़ से ज़्यादा होंगे? हाई फैट मील, फैट मील ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा बाइल सिक्रीट होगा, ज़्यादा बाइल सिक्रीट होगा तो वहाँ पे सिक्रीशन आगे आन रही है, ऑब्स्ट्रक्शन है, सही है, तो इस वजह से पेन होगा। हैवी मील, ज़्यादा खाना खाएंगे ये भी लीड कर सकता है किसको? पेन को, सही है। लेंग डाउन डायरेक्टली आफ्टर ईटिंग, ये भी इन सिम्टम को बढ़ा सकते हैं जो पिछले हमने पढ़े। फिर है व्हाट वुड बी द साइन ऑफ ब्लॉकेज, ब्लॉकेज होगा तो क्या साइन होंगे उनके? स्टिटोरिया होगा, उसके साथ जो है डार्क अम्बर यूरिन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि बाइल का काम क्या है कि वो यूरिन को कलर देता है येलो। कॉन्स्टिपेशन होगा, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन होगा।
जॉन्डस होगा क्योंकि बिलरुबिन जो है बॉडी में रिटेन होते हैं। क्ले कलर स्टूल क्यों होगा, क्योंकि बाइल जो है वो स्टूल को ब्राउन कलर देता है। और प्रूराइटस और बॉडी को जो है इचिंग होगी क्योंकि उसका बाइल का डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, हमारा स्किन में हो रहा है, स्किन के टिश्यू में हो रहा है। फिर आगे है डायग्नोस्टिक स्टडीज़। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में जो है लेब वैल्यू मतलब WBC की काउंट देखते हैं, लिकोसाइड जो है उनकी काउंट को हम देखते हैं, लेवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कि मतलब कोई लेवर का लेवर तो इफेक्ट नहीं, लेवर की वजह से तो इफेक्ट नहीं हुआ, एंजाइम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह हम जिसमें हम देखते हैं इमेजन टेस्ट, और परकुटिनस ट्रांसहेपाटिक कोलेंजियोग्राफी इसमें भी हम इंसर्ट करते हैं नीडल को डायरेक्ट कहाँ पे, गॉल ब्लैडर डक्ट में, और इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल हम डाई डालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पे ब्लॉकेज हैं। ERCP करते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी करते हैं, ट्यूब थ्रोट के जरिए नीचे करते हैं, एंडोस्कोप पास करते हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम में विजुअलाइज करते हैं कि गॉल ब्लैडर या डक्ट को स्कोप के जरिए, सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैन स्निंग द स्टोन विद अ बास्क और इफ नॉट रीच द स्टोन विल पास लेटर, सही है। मतलब ये एक तरह की डायग्नोस्टिक के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी, मीन सर्जिकल जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं तब भी इसकी यूज़ होती है। ट्रीटमेंट फॉर कोलेलिथियासिस कंसिस्ट ऑफ नॉन सर्जिकल रिमूवल। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है मतलब जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि डिजोल्व थेरापी एडमिनिस्टर ऑफ बाइल साल्ट और यूजरी मतलब डिजोल्व थेरापी करते हैं कि जो स्टोन है इसको डिजोल्व किया जाए, एडमिनिस्टर करते हैं बाइल्स को, सही है। एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड करते हैं, जैसे कि पीछे पीछे बोला कि बताया कि ये जो है हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कि हम ERCP जो है ये हम डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। लेटोट्रिप्सी जो है इसमें क्या करते हैं कि हम ट्रेपर जो है वो क्या करते हैं, लेटोट्रेपर जो है वो हम इंजर्ट करके और गॉल ब्लेडर में एक स्टोन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डिवाइस के जरिए, लेटोट्रॉप्टर डिवाइस के जरिए हम स्टोन को ब्रेक डाउन करते हैं और वो खुद ही हमारे जो वो है स्टूल के ज़रिए वो या स्टूल या यूरिन के ज़रिए वो बॉडी से आउट होगा। कौन से ड्रग है जो कि यूज़ होते हैं, वो ड्रग आर फॉर कोलेलिथियासिस, उसमें जो है सिनिडोइल और मोनोकिटिनोइन और यूरोसोडोइल। ये ड्रग जो है ये क्या करते हैं, ये जो गॉल स्टोन बनी हुई है इसको डिसॉल्व करते हैं, सही है, स्टोन को डिसॉल्व करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट हम मोस्टली प्रायोरिटी हम सर्जिकल मैनेजमेंट को देते हैं कि सर्जिकल जितना जल्दी हो जाए हम इसको स्टोन्स को रिमूव करें, या अगर वर्सन है तो हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करें। एंडोस्कोपी करते हैं, सीए जिसे की पहले बताया कि एक डिवाइस हम इंसर्ट करते हैं और इसके ज़रिए हम स्टोन को होल्ड करके और बाहर निकालते हैं, जो कि आगे हमें स्क्रीन लगी होती है उसमें नज़र आता है। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एक स्मॉल इंसीजन करते हैं और बाहर से अप्रोच करते हैं। एंडोस्कोपी जो है माउथ रोड के ज़रिए हम करते हैं, और लेप्रोस्कोपी जो है हम स्मॉल इंसीजन करते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव ओपन सर्जरी से ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं और बॉडी जो है रिकवरी भी फिर जल्दी होती है आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव। और ओपन सर्जरी में तो हम कट लगाते हैं और उसको ओपनली हम एक्सेस करते हैं।
कोलेबोरेटिव केयर हैं, ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि गॉल स्टोन जो है मतलब डिजीज़ की स्टेज कहाँ तक है। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, ये जैसे कि हमने पीछे पढ़ ला, ERCP हम करते हैं। और आफ्टर केयर पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं कि हाइपो वॉल्यूम में ना जाए, मीन के लो ब्लड का वॉल्यूम कम ना हो जाए। गेग रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, गेग रिफ्लेक्स दैट दे हैव वन बिफोर, चेक करते हैं वेटर साइन को। और नोजिया साधा मे बी एंटीमेटिक, अगर नोजिया एंटीमेटिक्स हम देंगे, एसिपिगस को देखते हैं सही है कि परफोरेट तो नहीं हुई है, अगर हमने एंडोस्कोपी की है तो उसको भी हम साथ वो करेंगे, असेसमेंट करेंगे। और ESWL मीन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लेटर्स लिटोट्रेप्सी यूज व्हेन स्टोन आर टू लार्ज। हाँ, इस पीछे हमने बताया कि लिटोट्रेप्सी करते हैं जिसमें हम स्टोन को छोटे छोटे करते हैं और वो बॉडी से फिर खुद रिमूव हो जाते हैं। व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोज फॉर कोलेलिथियासिस? एक्यूट पेन, एम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी। गैस एक्सचेंज क्यों होगा? गैस एक्सचेंज लाजमी बात है, वो पेन में है, पेन की वजह से उसका जो रिस्पिरेटरी रेट है वो डिस्टर्ब होगा। और स्किन इंटीग्रिटी क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि बाहर कहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है, वो स्किन में बाइल की डिपोजिशन हो जाती है, तो इसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी ख़राब हो जा सकती है। प्रूराइटस हमने पीछे पीछे पढ़ लिया। एम्बेलेंस न्यूट्रिशन, एम्बेलेंस न्यूट्रिशन इसलिए होते हैं कि जो बाइल है उसका काम ये है कि वो मेटाबॉलिज्म करते हैं फैट्स की, सही है, और फूड्स की। डिफिसिट नॉलेज अबाउट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, उनको पेशेंट को पता नहीं होता कि ये किस तरह डिजीज़ है और इसकी प्रिवेंशन किया है, कॉजेस किया है और इसकी डाइट किया है। पेन है तो प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन, मॉनिटर करते हैं, इंटरवेंशन सही है, एक्सप्लेन सारा प्रोसीजर करते हैं कि अगर वो सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो हम सारा कुछ बताते हैं, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव जितनी भी वो है टीचिंग है वो हम उसको देते हैं। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, सर्जरी हो जाए उसकी जो केयर होता है वो करते हैं, आगे पढ़ेंगे। और एजुकेशन देंगे आफ्टर लॉन्ग टर्म हम उसको घर के लिए एजुकेशन भी देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्पटम कोलेलिथियासिस सर्जिकल रिमूवल। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मतलब प्रायोरिटी पे हम सर्जरी को ही रखते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो है वो फॉर मेनी ईयर्स का आएंगे और उसने बीच में छोड़ दें तो ये स्टोन में भी रिमूव ना हो जाए, तो इसलिए हम सर्जरी जो है इसको प्रायोरिटी देते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कोलेलिथियासिस में। सर्जिकल केयर जो है वो दो तरह के होते हैं, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव पढ़ेंगे आगे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सर्जरी, सर्जरी कौन सी हुई है, लेप्रोस्कोपी हुई है या जो है ओपन हुई है, सी है। टीच अबाउट हाइपोस्टेटिक नमोनिया, कफ एंड डीप ब्रीथिंग, सिक्रीशन स्टे इन द आउटपुट एंड डोंट मूव, सही है। उसको हम हाइपोस्टेटिक टीच करते हैं हाइपोस्टेटिक नमोनिया की वजह से कि कफ और डीप ब्रीथ वो ले कफ आउट करें, सी है, मतलब सॉरी कि उसको जो है क्या करें, कफ आउट करें, और ब्रीथिंग जो है वो भी प्रॉपर उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सर्जरी करते हैं तो इस वजह से पेशेंट को घबराहट सी भी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मूविंग एंड टर्निंग, मूवमेंट और टर्निंग की इम्पोर्टेंस बताएंगे कि वो जिसको मतलब कंफर्टेबल पोजीशन पिछले हमने पढ़ा, तो इसके लिए हम बताते हैं कि जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो मेंटेन करें। एफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल इज एन एब्डोमिन, एक्सप्लेन हाउ पेन विल बी डील विद, कि मतलब अगर लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई है तो उसको एब्डोमिन में होल होगा तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके साथ किस तरह डील करना है।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आते हैं, मॉनिटर करते हैं ड्रेसिंग, मतलब जो सर्जरी हुई है वहाँ की ड्रेसिंग को, पेन लेवल वेटर साइन चेक करते हैं, पेन लेवल करते हैं जो कि 10 तक स्कोर देते हैं कि आपको पेन कितना है, वो बताते हैं कि 10 में से इतना 6 है, 5 है, 8 है, तो माइल्ड 3 तक होता है, मॉडरेट पेन स्केल जो है 6 तक होता है, 6 के ऑनवर्ड जो है फिर क्या होते हैं, सीवियर होता है। बायल ड्रेन इन टू द बैग मे स्टे इन ए वीक और कपल ऑफ वीक। बायल जो है वो कहाँ पे ड्रेन होगा, बैग में ड्रेन होगा। वाई बायल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ कॉमन प्रॉब्लम, और बायल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये कॉमन प्रॉब्लम क्यों है। व्हाट आर द कॉमन फूड इंटॉलरेंस फॉर द क्लाइंट विद कोलिथियासिस। कॉमन फूड इंटॉलरेंस कौन सी हैं, व्हाट आर द कॉमन फूड इंटॉलरेंस, वो है ये, अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड करें, सही है, लिमिट करें फ्राइड और फास्ट फूड, क्योंकि स्पाइसी और फ्राइड फास्ट फूड यूज क्या करते हैं, ये बाइल की मतलब अगर बाइल नहीं है तो इसकी क्या नहीं होगी प्रॉपर उस तरह मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो ये हमारी जीआईटी प्रॉब्लम्स को लीड कर सकते हैं। ईट मोर प्लांट्स, मतलब वेजिटेबल लेनी चाहिए, लूज़ वेट ग्रेजुअली, अगर ओबेस है तो वेट लूज़ करें, क्योंकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन के लिए उस तरफ जो है बाइल नहीं है। और ये गॉल ब्लैडर स्टोन की डाइट चार्ट है कि कौन सी फूड लेनी चाहिए और फूड जो है नहीं लेनी चाहिए, जो कि राइट तरफ है कि वो फूड जो लेनी नहीं लेनी चाहिए, जो लेफ्ट साइड पे है वो फूड जो लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट गॉल स्टोन।